प्यार का नशा महिला पर इस कदर चढ़ गया कि इंसानियत शर्मसार हो गई और हैवानियत को क्राइम का एक नया मोहरा मिल गया। महिला जिसके लिए अपना पति परमेश्वर के समान होता है, उसने सिर्फ अपनी रंगरलियां मनाने के लिए शादी के वक्त किए गए वादों को दरकिनार कर दिया। ग्वालियर की 23 साल की मीरा अपने पति शिवराज और उसके परिवार के साथ ससुराल में रहती थी। शिवराज के घर में उसका एक 4 साल का बेटा और उसके पिता भी रहते थे। मीरा अपने पति के साथ सिर्फ नामचार के लिए ही रहती थी। वो अपनी जवानी की प्यास बुझाने के लिए गैर मर्द के साथ सोती थी। दरअसल मीरा शाम होते ही शिवराज के दूध के ग्लास में नीम की गोलियां मिला देती, जिसे शिवराज अपने होश में नहीं रहता था। जैसे ही शिवराज नींद के चरम पर पहुंचता, वैसे ही मीरा रिश्ते में लगने वाले देवर पुत्तू को अपने घर बुलाकर अपनी हवस की प्यास बुझाती। मीरा को ना समाज की चिंता थी और ना देवर भाभी के पवित्र रिश्ते पर आने वाले आंच की फिक्र। न जाने मीरा और पुत्तू की रंगरलियों की कितनी रातें गवाह बन चुकी हैं और न जाने कितनी रातें शिवराज की जिंदगी में अंधेरे से भरी गुजरी। मीरा और पुत्तू का ये कारनामा 27 सितंबर तक बिना किसी रुकावट के चल रहा था, लेकिन 27 सितंबर की रात का गहरा अंधेरा देवर भाभी की रंगरलियों पर साया बनकर उमड़ पड़ा। शाम होती है, घर पर सबने खाना पीना खा लिया। मीरा ने अपने डेली रूटीन के हिसाब से पति शिवराज के दूध में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन उस रात और दिनों के हिसाब से गोलियां कम थी। मीरा ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और पुत्तू को घर बुलाकर प्यार का नंगा नाच शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन शिवराज की आंख रात को ही खुल गई और उसने पत्नी मीरा और रिश्ते में भाई पुत्तू को रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी को देवर की बाहों में देख शिवराज आग बबूला हो गया और उसने विरोध दर्ज किया। पति पत्नी के बीच खूब बहस हुई, लेकिन पति के लगातार चिल्लाने पर मीरा ने पुत्तू के साथ मिलकर पहले शिवराज के हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बाद में फिर उसको तार से करंट लगाकर पति को मौत के घाट उतार दिया। शिवराज को करंट से मारकर मीरा ने ये अफवाह फैला दी कि उसकी मौत अचानक करंट लगने से हुई है। लोगों को इस पर भरोसा भी हो गया और शिवराज का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन शिवराज के पिता को ये घटना हजम नहीं हुई और उनको अपनी बहू पर शक भी था, जिसकी वजह से उन्होंने संदेह जाहिर करते हुए पुलिस को एक आवेदन दिया। 27 सितंबर को एक व्यक्ति शिवराज सिंह की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी, किंतु तत्समय उनके परिजनों द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं की गई, बल्कि आसपास के लोगों को ये बताया गया था कि रात में बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हुई है। बाद में मृतक के पिता ने ही थाने पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई और साथ ही लिखित आवेदन भी दिया कि उन्हें अपनी ही बहू पर संदेह है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बेटे की मौत सामान्य अवस्था में नहीं हुई बल्कि बहू ने और उसके प्रेमी ने मिलकर की है। इसके बाद पुलिस ने केस की पूरी छानबीन की, जिसके चलते केस में एक गवाह सामने आया जिसका नाम सुनकर मीरा के होश उड़ गए। मीरा और शिवराज के 4 साल के बेटे ने अपनी मां के खिलाफ गवाही दी, जिसके चलते पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और पुलिस की सख्ती के आगे दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। हिरासत में लेने के बाद दोनों आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की। शुरुआत में मीरा और पुत्तू ने जुर्म कबूल करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस की सख्ती के आगे दोनों आरोपी टूट गए और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। ग्वालियर से हेमंत शर्मा के साथ अनिरुद्ध पंवार, ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।